आज की इस नव संकल्प रैली में आप बड़ी संख्या में आए। इस ठंड के मौसम के बावजूद आपने अपनी ताकत को प्रदर्शित किया, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया। इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का युग है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो कि आज किस तरह के हालात और परिस्थितियाँ हैं। और उनसे भी तेज चलने वाली चीज़ ये सोशल मीडिया है, ये मोबाइल फोन हर एक की जेब में है, हर एक के हाथ में है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज मिशन 2024 शुरू हो चुका है और मिशन 2024 का मतलब है कि सन 2024 में हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश के लोकसभा के चुनाव भी आपके बीच में होने हैं। और हो सकता है ये दोनों चुनाव इकट्ठे भी हो जाएं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां फील्ड में शुरू की हुई है। और हमने भी ये फैसला लिया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में रैली के बड़े आयोजन करेंगे, जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम से अवगत कराने का काम करेंगे ताकि वो फील्ड में जाकर के प्रचार प्रसार और फैलाव कर सके। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 6 वर्ष पहले आपने जब जननायक जनता पार्टी का गठन पांडु पिंडारा की धरती पर पहुंच करके लाखों की तादाद में किया, तब आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, प्यार लाड और दुलार दिया। उसी की बदौलत उसने 9 महीने में ना केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया बल्कि विपरीत परिस्थितियों में 3-3 चुनाव भी आपके बीच में झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी विधानसभा के चुनाव हुए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था, उसी की बदौलत आपने ना केवल पार्टी को 17.5% वोट दिए बल्कि आपने थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। और उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और जो हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राजभाग में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बातों को सुने नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसा ही उस कोरोना से कोई मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी।
कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किसी ने किया था तो वो सांसदों ने किया था। ना तो हमारा केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी थी और ना कोई सांसद था, परंतु उसके बावजूद भी जगह जगह जो किसान भाई टोल प्लाजा पे धरना देकर के बैठे रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों में भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो वो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, समाधान होते हैं राज से, ताकत से, सत्ता से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था, इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, ताकत से, सत्ता से। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है और हम सत्ता में हैं, तो जैसा आपके बीच में दुष्यंत बता रहा था कि अनेक योजनाओं को, अनेक घोषणाओं को जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में की थी, उन्हें विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कानूनी तौर पे अमली जामा पहना करके उन्हें लागू करवाने का काम हरियाणा प्रदेश में आपके बीच में किया है। और अगर राज नहीं हो और ताकत नहीं हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक चाहे आपके बीच में रोजाना घूमते रहें, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई कोर कसर कमी कोताही इस पिछले समय में रही है, मैं आपको यकीन विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे बल्कि निकट भविष्य में उसे सवाया करके आपको लौटाने का काम भी करेंगे। और जो कोई कोर कसर कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप सब लोगों ने मिलकर के करना है। वो ना काम अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता और ना मंच पर बैठे हुए दूसरे लोग कर सकते, वो हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी जो कहा करते थे कि हवा बनाओ, पार्टी का प्रचार प्रसार और फैलाव करो ताकि निकट भविष्य में जब चुनाव आए तो वो हवा आपके पक्ष में आंधी बन करके, तूफान बन करके चले और उन लोगों को उखाड़ने का काम करें जो आज तरह तरह के प्रलोभन दे करके आपको गुमराह करने का काम करते हैं। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब जो शेष समय बचा है, मेरे ख्याल लोकसभा के तो सारे 85 दिन बाकी बचे होंगे, अब इसमें आप लोग जुट करके प्रयास करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, अलख जगाने का काम करेंगे, रूठे हुए को मनाने का काम करेंगे और नए साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करेंगे, तभी ये सारी चीज संभव हो पाएगी। यही विनती और गुजारिश करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप ठंड के इस मौसम में अपना कीमती समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे पुष्प आपने भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। आप सबका बहुत बहुत